हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं उद्योग आधार कैसे बनाया जाता है और वो क्या होता है। उद्योग आधार एक अपना जो बिजनेस करते हैं स्मॉल बिजनेस, उसका एक सर्टिफिकेट होता है जो कि वो बिल्कुल फ्री है। आप खुद घर बैठे भी बना सकते हैं, मोबाइल से भी, कंप्यूटर से भी, लैपटॉप से भी। उसके बाद अपने को खाली प्रिंट करवाना होता है। तो आप देखिए, एक उद्योग आधार .gov.in इसकी वेबसाइट है, वहां से आप इसको आसानी से बिल्कुल बना सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा इसको कैसे बनाना है और क्या करना है। तो सबसे पहले अपने को आधार कार्ड वगैरह, इसमें एक आधार कार्ड और पान कार्ड और अकाउंट नंबर, तीन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो आप सबसे पहले आधार कार्ड, पान कार्ड और उद्योग वो बैंक अकाउंट नंबर नोट कर लीजिए। ओनली आपको इसमें खाली अपलोड वगैरह कुछ करना नहीं है, ओनली फॉर आपके पास होना चाहिए, तो वो देख के आपको डिटेल फिलअप करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब गूगल में अपने को लिखना है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जो उद्योग आधार .gov.in इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल, इसकी फेक आईडिया, फेक ये वेबसाइट भी बहुत है। तो आपको ये देखना है कि उद्योग आधार .gov.in पे ही लॉगिन होना है। तो ये बिल्कुल फ्री है, गवर्नमेंट का इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसमें अपने को सबसे पहले आधार कार्ड की जरूरत होगी। तो अपने को इसमें सबसे पहले अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद जो अपना आधार कार्ड पे नाम है वही नाम यहाँ पे डालना है। तो उसके बाद अपने को वैलिडेट एंड जनरेट OTP भेजना है। ये OTP अपने मोबाइल नंबर पे चला गया है। वो OTP कभी कभी थोड़ा लेट भी आता है, आधार कार्ड का सर्वर नहीं चलता हो, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी इसका एक ऑप्शन है, उस हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता है तो आपको तीसरा नंबर है, सबमिट एप्लीकेशन डिटेल, गवर्नमेंट अप्रूव्ड फोटो, आईडी प्रूफ, और क्लिक हियर इस पे करोगे तो आपको डायरेक्ट आगे लॉगिन हो जाएगा और उसमें फिर ईमेल पे OTP जाएगा और आपको एक स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, एनीवन कोई भी। तो जैसे मेरे पास ये इसका रजिस्ट्रेशन जो OTP है वो आ गया है, तो मैं ये OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद इसको वैलिडेट कर दूंगा। ये वैलिडेट हो गया है। ये पहले बता रहा है कि आपके पास दो ऑलरेडी MSME बना हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्लिक एयर करोगे तो आपका दो जो पहले का बना हुआ है तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हो। जैसे अभी अपने को नया बनाना है तो मैं आपको नए के लिए बता देता हूँ। उसके बाद अपना जो कंपनी का नाम होता है वो कंपनी का नाम डाल दीजिए। उसके बाद आप ये पूछ रहा है कि आप प्रोपराइटर हो या पार्टनरशिप डीड हो, आपकी पार्टनरशिप हो या सहकारी कोऑपरेटिव है या प्रोपराइटर एकल स्वामित्व। तो अभी मैं प्रोपराइटर का बना रहा हूं तो प्रोपराइटर का ही लिखना है। उसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। पैन कार्ड, जो आप पैन कार्ड नंबर नहीं डालोगे तो भी कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए अपन एक बार पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं। जैसे मैं मेरा पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद अपने को एड्रेस डालना है। एड्रेस, उसके बाद आपको सिटी, शहर, पिन कोड, जैसे मैंने पिन कोड डाल दिया। उसके बाद आपको आपका राज्य कौन सा पड़ता है वो राज्य डाल दीजिए, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक कीजिए तो आपका ये, जैसे मेरा अहमदाबाद लगता है तो मैंने अहमदाबाद डाली। इसको बात करना है एड प्लांट, तो इसमें कंपलसरी ये डालना। तो उसके बाद अपना एड प्लांट कर देते हैं।
इसमें दो एड्रेस हो तो आप दो भी इसमें मेंशन कर दे, एक और लेके दोबारा एड मोर प्लांट का भी लिख सकते हो। अपने पास एक ही है और अपना जो कॉर्पोरेट ऑफिस एड्रेस है वो भी सेम है, तो आप इसी को कॉपी करके नीचे इसमें पेस्ट कर दीजिए। सेम एड्रेस होता है तो, अन्यथा इसको दूसरा टाइपिंग आप कर सकते हो। तो मेरा सेम ही एड्रेस है तो मैंने कॉपी और पेस्ट कर दिया। उसके बाद में ये दोबारा स्टेट पूछेगा, स्टेट डाल दिया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना। ये कभी कभी सर्वर थोड़ा डाउन होता है तो इसमें धीरे धीरे आता है, अभी आज मेरे को लगता है अभी सर्वर डाउन है इसमें। ये मैंने डाल दिया है, सर्वर डाउन होता है एक बार इसको स्टेट को दो बार सिलेक्ट कर लीजिए, एक बार दूसरा करके फिर अपना करिए तो आ जाएगा उसमें। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी अपना मोबाइल नंबर है। उसके बाद अपने को एक ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद में अपने को ये धंधा कब शुरू किया वो डालना है। जैसे मैंने 1 दिसंबर 2019 से शुरू किया तो 1 दिसंबर 2019 डाल देता हूँ। उसके बाद अपने को ये आईएफएससी कोड मांगेगा तो आईएफएससी कोड डाल देता हूँ। उसके बाद ये अपना अकाउंट नंबर मांगेगा, मैंने अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डाल दिया। सर्विस, जैसे अपने किस चीज का अपन काम कर रहे हैं, जैसे मेरा एक दुकान है ऑनलाइन, जैसे साइबर कैफे है तो अपना यहाँ पे साइबर कैफे सर्च करेंगे तो इसमें आ जाएगा एक्टिविटीज ऑफ साइबर कैफे, ये सर्विस में आएगा। और मैन्युफैक्चरर, आपको कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी तो मैन्युफैक्चरर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको जो भी धंधा होता है वहां पे नाम के सर्च करिए तो आपका वो आ जाएगा। इंफॉर्मेशन सर्विस एंड एक्टिविटी, 63 नंबर पे कोड है आपका जी। देखो ये थोड़ा अभी सर्वर डाउन चलता है तो ये एकदम आने, तो उसको एक बार दूसरा क्लिक करके फिर उसी अपने को सेलेक्ट करें। 63 नंबर पे इंफॉर्मेशन सर्विस एक्टिविटीज, ये आगे कंप्यूटर, जैसे अपना के वेब पोर्टल है या फिर अदर है तो अदर अदर कर दीजिए, इसमें आपका कोई भी नहीं है इंक्लूडेड तो आप अदर अदर कर दीजिए, तीसरे पे भी अदर कर दीजिए। उसके बाद एड एक्टिविटीज, बस अपना ये सर्विस मोड का था जो ही एनएससी डिजिट, इसका ये अपना ऐड हो गया है तो यहाँ पे सर्विस लिखा आना चाहिए। मैन्युफैक्चरर का नहीं होता है, मैन्युफैक्चरर का होता है तो मैन्युफैक्चरर आना चाहिए। जैसे अपने पास कितने बंदे काम करते हैं, जैसे हमारे पास 3 बंदे काम करते हैं तो 3 डाल देता हूँ। और इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो जैसे कि 5 लाख है तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट का डाल देता हूँ। उसके बाद एक बार आप उसको पूरा चेक कर लीजिए अच्छी तरीके से, कुछ गलत हुआ है। वैसे बाई चांस गलत हो भी जाए तो ये हाथों हाथ चेंज भी हो जाता है, मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है और ईमेल पे, कोई भी ओटीपी डाल के आप हाथों हाथ चेंज भी कर सकते हो। अभी इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, अभी दोबारा अपना ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पे। अभी अपना मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया है तो वो ओटीपी थोड़ा आने में टाइम लगेगा, इसका सर्वर आजकल थोड़ा सर्वर इसका बहुत धीमे चलता है। उसके बाद जो सत्यापन कोड, वेरिफिकेशन कोड होता है जो कैप्स कोड है नीचे लिखा हुआ, और इसको डालना है आपको। ये मैंने डाल दिया, अभी ओटीपी का वेट करता हूँ। ओटीपी आते ही तो ये ओटीपी देखो आ गया है, ये ओटीपी डाल दिया, फाइनल सबमिट मैं कर देता हूँ। ये पूछ रहा, आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर्ड करेक्ट डाटा आफ्टर सबमिट, यू विल नॉट अवेलेबल टू चेंज डाटा। बट ये बोल रहा है आपका चेंज नहीं होगा, बट ये चेंज हो जाता है, तो इसमें कुछ थोड़ा टाइम लगता है। ये हाथों हाथ आपको सर्टिफिकेट दे देगा, ये आपका दे दिया उद्योग आधार मेमोरेंडम सबमिट सक्सेसफुल, यू आर योर नंबर, आपका सर्टिफिकेट का नंबर भी आ गया है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो थोड़ा वेट कीजिए, आपके सामने वो सर्टिफिकेट और दोनों मेमोरेंडम दोनों आ जाएगा। ये आ गया है, ये उद्योग आधार मेमोरेंडम, इसमें थोड़ी अपनी जो खुद की प्रोपराइटर होता है उसका डिटेल दिया होता है, अकाउंट नंबर वगैरह, तो इसको अपन प्रिंट कर देते हैं।
प्रिंटर है तो अपने डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो अपन जैसे सेवेज पीडीएफ, अपने को सेवेज पीडीएफ कर लेते हैं, तो ये सेवेज मैंने पीडीएफ पे कर दिया है, तो प्रिंट एप्लीकेशन डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ, सेव कर दिया। उसके बाद जो दूसरा होता है अपना, इसका दो सर्टिफिकेट होते हैं, पहला होता है उद्योग आधार मेमोरेंडम और तीसरा होता है क्लिक हियर फॉर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो थोड़ा अलग होता है, उसमें कंपनी की डिटेल दी हुई होती है, जैसे अपन कंपनी का नाम वगैरह, जो इसमें ओनली फॉर कंपनी कंपनी का है, अकाउंट नंबर है वैसा, इसमें कुछ नहीं दिखाएगा, आपने क्या सर्विस है वगैरह वगैरह टोटल। और आप इसको चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, यूएएन नंबर है इसका ध्यान रखना, ये आपके पास होना जरूरी है चेंज करोगे तो, और ये गुम भी हो जाएगा तो भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसी वेबसाइट के अंदर पूरा ऑप्शन दिया हुआ है, किसी को डाउनलोड करना है गुम हो गया है तो कमेंट करके बताइए, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो इसको भी अपन देखिए प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंटर अपने पास नहीं है तो सेवेज पीडीएफ कर लेंगे, सेवेज प्रिंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप, ये दोनों अपने पास हो गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।